हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेटकास्ट ऑन वेब टेक जोन। आज हम सीखेंगे दोस्तों गूगल फ़ोटोज़ आप दूसरे मोबाइल में कैसे देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपके गूगल फ़ोटोज़ आप किसी भी मोबाइल में देख सकते हो, चाहे वो आपका फ्रेंड का हो। आप दोस्तों कंप्यूटर में भी देख सकते हो। कंप्यूटर में कैसे देखना है, मोबाइल में कैसे देखना है, मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबाए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और आपका डाउट्स क्लियर हो जाए वीडियो के एंड में, तो प्लीज़ जाने से पहले एक सब्सक्रिप्शन और बेल आइकन ज़रूर दबाना। दोस्तों बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस है नहीं, तो प्लीज़ 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 जाने से पहले एक सब्सक्रिप्शन बटन और बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो दोस्तों अगर आपको अपना गूगल फ़ोटो मोबाइल में आपको ओपन करना है दूसरे मोबाइल में, तो दोस्तों आप जाइए प्ले स्टोर में और यहाँ पे दोस्तों गूगल फ़ोटो आप डाउनलोड कीजिए। मैं आपको फोटो ये एप्लीकेशन क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज़ ये एप्लीकेशन है गूगल का ही है, और गूगल फ़ोटो आप अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आप गूगल फ़ोटो इजीली देख सकते हो, स्मूथली देख सकते हो। ऑनलाइन क्या होता है दोस्तों, नेट थोड़ा कम ज़्यादा होता है या प्रॉब्लम होता है, तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप गूगल ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। आपको ब्राउज़र से भी कैसे देखना है वो भी मैं सिखाऊँगा। ओके, तो ये डाउनलोड करने के बाद आपको गूगल फ़ोटो ओपन करना है दोस्तों अपने मोबाइल में। गूगल फ़ोटो ओपन कीजिए, ये दोस्तों देखिए गूगल फ़ोटो ओपन हो गया है मेरा। अभी देखिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वो ईमेल आईडी आपका है कि नहीं जो आपने गूगल फ़ोटो डाउनलोड, सॉरी दोस्तों, जो फ़ोटो आपने अपलोड किया था जिस ईमेल आईडी में, वो यहाँ पे आपको देखना है कि नहीं। अगर आपके दोस्त के या अपने फ्रेंड्स के फ़ोटो गूगल ड्राइव में लॉगिन कर रहे हो, तो आपको दोस्तों आपका ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या जाना पड़ेगा, आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी गूगल में चला गया, एक सेकेंड। आपको दोस्तों ये जो एरो है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखे ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन आ गया है, इस पर आप क्लिक कीजिए। और आपका जो जीमेल आईडी है जिसमें आपने फ़ोटो सेव किया था वो यहाँ पे ओपन होना चाहिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे फ़ोटोज़ में आपके जो भी अपलोड फ़ोटोज़ है आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, तो दोस्तों ऐसे गूगल फ़ोटो में आप गूगल ड्राइव एप्लीकेशन से देख सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन देखना है ब्राउज़र से, तो मैं क्रोम ब्राउज़र में चला जाता हूँ। ये मेरा दोस्तों ब्राउज़र है, यहाँ पर जाइए गूगल में, गूगल जाइए, और दोस्तों सेम यहाँ पे ईमेल आईडी आपका लॉगिन होना चाहिए जो उस ईमेल आईडी पे आपने फ़ोटो सेव किया है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ईमेल आईडी है यहाँ पे नहीं रहेगा। तो अगर आपको ऐड करना है तो मैनेज अकाउंट पे जाइए, और मैनेज अकाउंट में जाके आप यहाँ से मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाइए, या मैनेज अकाउंट इन दिस डिवाइस, सॉरी मैनेज अकाउंट इन दिस डिवाइस पे जाइए, इस पर मत जाइए, इस पर जाइए, और यहाँ पर आपको अकाउंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लॉगिन करना है। ओके, यहाँ पे लॉगिन करने के बाद, ऐड अकाउंट करने के बाद, फिर से बैग आइए, आ जाइए ब्राउज़र, फिर से क्लोज करके ओपन कीजिए। तो यहाँ पे आपको दूसरा अकाउंट दिख जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पे देखिए गूगल फ़ोटोज़ का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों आप गूगल फ़ोटोज़ में चले जाओगे। जाने के बाद आपको फिर से दोस्तों आपका ईमेल आईडी वही है कि देखना है, अब देख लीजिए। ये थोड़ा अपलोड हो रहा है दोस्तों, सॉरी लोडिंग हो रहा है, ये देखिए कितना टाइम लगता है इसको, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप ये एप्लीकेशन यूज़ कीजिए दोस्तों। तो ये देखिए मेरे फ़ोटोज़ मुझे दिख रहे हैं, कौन से तारीख को मैंने अपलोड किए थे वो भी दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी फिर से चेक कर सकते हो, वही है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, दो तीन ईमेल आईडी आप रहोगे लॉगिन फ़ोन में, तो फ़ोटोज़ में जाने के बाद आपका ईमेल आईडी चेंज हो सकता है। तो देखिए आपका वही ईमेल आईडी है कि नहीं। फ़ोटोज ये दोस्तों, यहाँ से भी आप वो फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हो। जो फ़ोटो आपको डाउनलोड करना है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, फिर आपको जाना है ये थ्री डॉट पे जाके आपको डाउनलोड करना है यहाँ से, तो ये फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही गूगल फ़ोटो में आपका गूगल फ़ोटो दूसरे के मोबाइल से या दूसरे डिवाइस से, कंप्यूटर से आप देख सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे अपडेटेड वीडियो दोस्तों आपको मिलते रहेंगे और आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। दोस्तों बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस है नहीं, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।